फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान है और आप देख रहे हैं अर्श न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला से। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला का ज्योतिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ पर दो लोग घायल हुआ है। बता दें कि एक मुकेश नाम का आरोपी, जिसने एक ASI जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच में तैनात है, जिनका नाम दिनेश है, उनको गोली मार दी, उनकी मौत हो गई है। उसके बाद एक और था जिसका नाम अमित है, उसकी भी गंभीर रूप से घायल है। और एक खुद आरोपी मुकेश ने इसी 3-व्हीलर के अंदर बैठकर उसने अपने खुद को गोली मार ली, उसकी भी मौके पर मौत हो गई। DCP का कहना है कि जांच जारी है, इसमें दो लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है, घायल का नाम अमित है और आरोपी जिसने खुद को गोली मारी है, जिसकी मौत हो गई है, उसका नाम मुकेश है। एक दिल्ली पुलिस में तैनात जो ASI हैं, जो स्पेशल ब्रांच में, जिनका नाम दिनेश है, उनकी भी इसमें मौत हो गई है। मौके पर स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम भी है, फॉरेंसिक टीम भी है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अब ये पता करने में जुटे हुए हैं कि आखिरकार वजह क्या रही थी। देखिए मेरे संवाददाता यासिन खान की ये खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के ज्योति नगर थाना क्षेत्र का इमित नगर का ये फ्लाईओवर है, जो कि नंद नगरी की तरफ से ज्योति नगर की तरफ आने वाला ये रास्ता है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने पहले एक दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच में तैनात ASI को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई। वही एक और व्यक्ति को गोली मारी, जिसका नाम अमित है, उसका इलाज चल रहा है। और ASI का नाम दिनेश है, जिसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद डर के मारे आरोपी ने एक 3-व्हीलर में बैठा और उसके बाद खुद को भी उसने गोली मार ली। आरोपी की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई थी, जिसकी मौत हो चुकी है। बहरहाल ज्योति नगर थाने ने मामला दर्ज किया है। सुने DCP और चश्मदीद की बाइट। देखिए, ये मीत नगर फ्लाईओवर बोलते हैं इसको, और 11:42 की कॉल थी कि कुछ लोगों को गोली लगी है, एक आदमी गिरा हुआ है। तो तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँची, पहले नंद नगरी वाली पहुँची, फिर पता लगा ज्योति नगर का इलाका है, तो वहाँ के SHO भी पहुँचे, हम लोग भी मौके पे ही थे। तो 3 लोगों को गोली लगी है, उनमें से एक लगता है असेलेंट ने, जो गोली मारने वाला था, उसने अपने आप को ही सिर पे गोली मार ली। तो जो पहला इंसिडेंट है वो हुआ है मीत नगर फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर। उसके बाद जैसे फ्लाईओवर नीचे ख़त्म होता है, एक इंसिडेंट वहाँ का है, एक ऑटो, एक वो स्कूटी पे एक लड़का था, उसको एक गोली मार दी। फिर एक ऑटो में बैठ गए जाके ये गोली मारने वाला, और ऑटो ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने कहा जी मैंने थोड़ा इतराज़ किया, तो मेरी तरफ भी उसने एक फायर कर दिया, थैंकफुली उसको गोली नहीं लगी। और फिर पीछे वाली सीट पे बैठे बैठे इसने अपने सिर पे खुद ही गोली मार ली। तो अभी हम GTP हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, अभी एक बार बॉडीज़ का मैंने मुआयना किया था, तो जिनको पहले गोली मारी है उनके तो छाती पे गोली लगी है, और खुद इन्होंने सिर पे मार ली है। एक अभी ऑपरेशन थिएटर में है, जो सेकंड जिसको गोली मारी थी उसको कमर में गोली मारी है। तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या रीज़न रहा होगा। एक हम लोग मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए, 2 लोगों की मौत हो गई है, एक तो जिनको पहले से गोली मारी थी उनकी मौत हो गई है, और जो उन्होंने खुद को गोली मार लिया है उनकी मौत हो गई है। एक अभी ऑपरेशन थिएटर में। नहीं, देखिए गैंग वार वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो जाएगी तो मैं सभी के नाम आपको बताऊँगा। देखिए, एक घटना जो है 12:45 की है। मैं अपनी फैमिली को लेके पुल से अशोक नगर के फ्लाईओवर से आ रहा था, तो जो व्यक्ति है पिस्टल को जो है पहले जो है जैसे कि फिल्मों में देखते हैं कि रोड पे घुमा रहा था, एक पुलिस वाले जो हैं अपनी बाइक पे आ रहे थे, सबसे पहले उनको गोली मारी स्पॉट पे, वो औंधे बल गिरे। औंधे बल गिरने के बाद में उसको 3 फायर और करे, वो स्पॉट पे ही जो है बेहोश हो गए। इसके बाद एक TVS की जो है स्कूटी आ रही थी उस पर भी फायर करा, लेकिन गाड़ी की स्कूटी पे वो सबसे पहले गोली, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जब गोली मारी गई तो बैटरी चला के आ रहे थे, अपनी गाड़ी को लेके आ रहे थे, उसकी कमर पे गोली लगी। लगभग उसकी उम्र जो है 20-25 साल की उम्र है। उसको ऑटो में बिठाया, बकायदा मैंने GTP हॉस्पिटल पहुँचाया उसको। मैं वही बता रहा हूँ कि कई ऑटो इस आरोपी ने जो है कई ऑटो रोकने चाहे, लेकिन ऑटो वाले नहीं रुके। इस ऑटो को जो सामने खड़ा हुआ है ये ऑटो वाला, इसको जबरदस्ती से रोका गया, गन पॉइंट पे रोका गया, इस गाड़ी में बैठा, और जो फर्स्ट खंभा है उसने जो है पुलिस और पब्लिक के डर से अपने आप को गोली मारी है।